हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपके साथ दो लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिनको रिलीफ मिला है। एक तो बिल्कुल ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो स्लिप डिस्क और तकलीफ से जूझ रहे हैं ना, कमर दर्द की तकलीफ से, उनके लिए ये वीडियो है। साथ में आपके सवाल भी रहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, राना अहमद फारूक जी का है। ये जर्मनी से हैं और एक साल करीब होने वाला होगा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मुझसे बात की थी। तो उस वक्त मैं ऐसा कुछ, मेरे पास ज़रिया नहीं था कि मैं किसी को मेडिसिन प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन अब इनको मैंने मेडिसिन कोशिश की है कि पहुंच जाए, पहुंच गई है। और ऊपर वाले का शुक्र है कि इन्हें एक महीने में काफ़ी फ़र्क है और मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी है। इनको L4-L5 की ही प्रॉब्लम है डिस्क में और इनको एनुअल ट्रियर भी है। तो देखिए, ये लिख रहे हैं कि मैं जर्मनी से हूँ और मैंने दवाई मंगवाई थी और अब मैंने वो दवाई पूरा एक मंथ भी नहीं ली अभी तक, लेकिन मुझे उस दवाई से पहले से काफ़ी फ़र्क है और आई होप कि कंप्लीट ठीक हो जाएगा अगर मैं दवा के साथ परहेज भी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और जिन लोगों को ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, जिनसे बात करती हूँ, उनसे तो करती हूँ, साथ में वीडियोस में बताती हूँ कि प्लीज़ प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखिए। आप जितना अच्छे से प्रिकॉशंस करते हैं उतना ही जल्दी आपको रिकवरी होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, ठीक है। और जो प्रिकॉशंस जितना, मतलब जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना ही है किसी को, ज़रूरी है, किसी को बाइक चलाना ही पड़ता है, बहुत से पेशेंट हैं जिनसे बात होती है, तो उनके लिए यही है कि प्लीज़ जितना हो सके कोशिश करते रहें। आप, हो सकता है आपको जो कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उम्मीद तो बरकरार रखनी चाहिए, है ना। और प्लीज़ जिनको कहीं से रिलीफ नहीं है वो मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें जो मैंने ली थी। और प्रिकॉशंस तो बिल्कुल ज़रूरी है, मालिश और सिकाई भी ज़रूरी है, वो भी करके देखें। कुछ लोग बहुत ही निगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, मैं कमेंट पढ़ती हूँ, पता नहीं ये मिस क्या कहूँ मैं उनको, कि प्लीज़ कोशिश तो कर लें एक बार। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप वो चीज़ भी करके देख लें जो मैंने की थी। बाकी आप देखते रहें, कहीं ना कहीं से तो आपके लिए भी रिलीफ होगा। जैसे अभी मैं आगे जो शेयर करने वाली हूँ, ये प्रीत सिंह जी का कमेंट है और मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ के, तो मैं इनसे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। प्रीत सिंह जी ने लिखा है, मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ स्लिप डिस्क से, योगा से और कुछ आयुर्वेदिक दवाई से। और आप लोग जानते हैं, जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को किसी चीज़ से और किसी को किसी चीज़ से भी रिलीफ मिल सकता है। बस मेन ये है कि आप भरोसा करें और चलें। इन्होंने लिखा है, मुझे लंबर वाली बीमारी में ऐसा बता नहीं सकता, जब मुझे हुई थी तो स्टार्टिंग में बहुत कम थी, बिल्कुल मेरी तरह, है ना, धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। और बाद में आकर मेरी कमर एक तरफ झुक गई थी। देखिए, इनकी कमर झुक गई थी, मेरे साथ खैर ऊपर वाले का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ था। तो जिनकी झुक जाती है ना, बहुत से मुझे भेजते हैं फ़ोटो भी खींच के, तो उनके लिए भी है, प्लीज़ देखिए। L4-L5-S1 में गैप आ गया था ज़्यादा वेट उठाने से। उसके बाद मैंने बीमारी को कुछ दिन नज़रअंदाज किया तो उसने मुझे सारी तरह से जकड़ लिया, फिर बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया था। इसका एक ही इलाज है बस, जो मेरा एक्सपीरियंस है, योगा एक्सरसाइज और कुछ आयुर्वेदिक दवाई। टाइम तो लगता है, लेकिन इंसान पहले की जैसी ज़िंदगी जी सकता है। एक्सरसाइज से जो स्पाइन के मनके होते हैं वो अपनी जगह वापस चले जाते हैं जहाँ से उनमें गैप आया था, और दवाइयाँ धीरे धीरे दर्द में राहत देती हैं। ये इन्होंने लिखा है। मेरे ख्याल से जो जैसा फील करता है वो वैसा ही एक्सप्लेन करता है, और जिसने ये सही है तकलीफ़ वो उसे अपने तरीके से ज़रूर बता देगा, और जो झेल रहे हैं वो भी जानते हैं, वो भी समझ लेंगे इस चीज़ को कि जो उन्होंने कहा है वो क्यों कहा है और कैसे कहा किया है उन्होंने, ठीक है। तो जिनको योगा से हो रहा है, बहुत से लोग हैं सिर्फ एक्सरसाइज से उनका ठीक हो जाता है, लेकिन सबकी कंडीशन अलग होती है। बस एहतियात रखें कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो वो ना करें बस, और जिससे रिलीफ मिलता है उसे कंटिन्यू करते रहें, भले ही वो थोड़े वक्त के लिए हो, लेकिन उसे करते चलें, मैं यही मानती हूँ। लेकिन मैं प्रीत सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ उस जगह का नाम बताएं जहाँ से उन्होंने मेडिसिन ली थी आयुर्वेदिक, या फिर दवाइयों का नाम भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प मिलेगी।
आगे वो लिखते हैं, मैंने हर जगह से दवाइयाँ ली थी, हर जगह इलाज कराया था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ, बस पैसे ही उड़ जाते थे, जो कि सबके साथ होता है। आप जानते हैं कि क्या सिचुएशन में ये तकलीफ़ हमें ला के छोड़ती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता था। फिर मैंने ऑपरेशन का मन बनाया, बाद में पता चला कि ऑपरेशन से लाइफ ख़राब हो सकती है। उसके बाद मैंने बाबा रामदेव के योगा का सहारा लिया। मुश्किल तो होती थी, लेकिन पहले थोड़ा फिर ज़्यादा करने से आज भगवान की दुआ से अच्छा हूँ। सभी भाई योगा ज़रूर करें, स्पाइन के योगा करें घर पर, और वेट ना उठाएं, और ठंडी चीज़ों से दूर रहें, गर्म चीज़ों का सेवन करें, और बादे वाली चीज़ें ना खाएं। जो मैं बताती हूँ आपको वही सब इन्होंने लिखा है। आगे लिखा है, ये दर्द धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है और पैरों में झंझनाहट की शिकायत देखने को मिलती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखो और आज से ही 2 टाइम योगा करो, घर पर बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% गारंटी है के साथ। तो चलिए, आप बिल्कुल अच्छे हुए हैं सुनकर बहुत खुशी हुई। और जिन लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है ना, या यूँ समझ ली जिनका अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है, वो प्लीज़ करके ज़रूर देखें, क्या पता आपके लिए कौन सी चीज़ अब आपको राहत दे सकती है। उम्मीद पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। दूसरों के कमेंट भी इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप देखें कि लोग किस सिचुएशन से उठकर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो किसी को लगता होगा कि मैं चीज़ें सही बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, क्या पता यही बता रही हैं और तो कोई नहीं बता रहा, तो देखिए दूसरों का भी एक्सपीरियंस और करके देखिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ। सबसे पहला सवाल जो पूछा है वो तौफीक अहमद जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि दीदी, मुझे एनुलर टीयर L5-S1 डिस्क बल्ज है, मैं क्या करूं? तौफीक जी, जो मैंने सब कुछ किया है वो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके लिए, तो उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियोस के लिंक मैंने दिए हैं उन्हें देखें। जो भी मेडिसिन मैंने ली थी, जो मैंने चीज़ें बताई हैं किस किस तरीके से, वो सब बताया, वो आप देख लें। और आप परहेज आपको करना है खाने का भी, और मसाज और सिकाई करनी है, ऑयल बनाने का तरीका भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। कुछ ना समझ आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी कि अब बात भी कर सकती हूँ अगर आपको समझ आए तो आप मुझे वहाँ इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह रिलीफ तो मिलेगा, जब औरों को मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिए और करके देखिए। ये मिसेज अशरफ खान जी का है, जिन्होंने लिखा है कि 4 साल से स्लिप डिस्क थी और अब मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या डिलीवरी टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो गलत बिल्कुल ना सोच के चलें, क्यों प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नॉर्मल पेन जो आते हैं तभी आप डिलीवरी के लिए जाइएगा, और तब तक अपने बच्चे का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको झुकना नहीं है, वज़न कोई उठाना नहीं है, खाने पीने की ख्याल रखिएगा कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपकी तकलीफ़ बढ़े कमर की, है ना, वो चीज़ तो ध्यान रखना ही है। लेकिन ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, वो आप ध्यान रखिएगा। लास्ट के 7-8-9 मंथ में जो है वो नारियल पानी का खूब पीना है, उसका सेवन करिए ताकि पानी की कमी आपको ना हो सके, और आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी, बच्चा नॉर्मल रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक अच्छे डॉक्टर को आपको ढूंढना है जो आपकी तकलीफ़ को समझ सके और आपको ये चीज़ें, ये ऑपरेशन के लिए फोर्स ना करने लगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर तरह के इंसान हैं आज के वक्त में। अपनी प्रॉब्लम को रखिए और उन्हें बताइए कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहेंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब कुछ उन्हें डिटेल में बताइए, ताकि वो अपने दूसरे जो डॉक्टर हैं न्यूरोसर्जन, उनसे भी कंसल्ट कर सके टाइम से, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। ये सवाल महमूद हसन जी का है, जिन्होंने पूछा है रुकू कैसे करें। देखिए, मैंने इस तकलीफ़ को बहुत ही मतलब एक शिद्दत के साथ बर्दाश्त किया था, और इसमें नमाज का बहुत अहम रोल था, जिसने मुझे बहुत हिम्मत और सब्र दिया है, ठीक है। तो लेकिन मैंने नमाज जो पढ़ी है वो मैंने अपनी कुर्सी पे अदा की है बैठ के, हमेशा चेयर पे नमाज पढ़ी है। सजदा और रुकू सिर्फ इशारे से किए हैं, क्योंकि मुझे सर्वाइकल भी था, तो मैं गर्दन को जरा सा भी नहीं हिला सकती थी, दर्द की बेपनाह दर्द की लहरें दौड़ती थी। तो आप
देखो जितने भी लोग जो पेशेंट हैं सर्वाइकल या लंबर वाले भी, जिनको लंबर में दिक्कत है, उनको भी यही कहती हूँ, हमेशा नमाज अपनी चेयर पे पढ़ें और तयम्मुम से नमाज कर मतलब वुजू करें। वुजू जो बनानी है वो तयम्मुम करें, मिट्टी रखें, मिट्टी से अपना तयम्मुम करके आप अपने दिल में यकीन पक्का होना चाहिए, ठीक है? तो वो कबूल तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी आपकी नमाज। आपने सजदा रुकू इशारे से करना है, गर्दन को ना झुकाएं, जिनको कमर में भी दिक्कत है या जिनको गर्दन में भी दिक्कत है। ये अजय कुमार जी का सवाल है कि दीदी मैं पिछले 3 साल से L4, L5 और S1 नस में ब्लॉकेज है, तो मैं साइकिल यूज़ कर सकता हूँ, प्लीज़ बताएं। देखिए अजय जी, कोई भी टू व्हीलर यानी कि जिसमें दो पहिए हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आपको अभी तक दर्द और तकलीफ़ बाकी है, आप ठीक हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास आप चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई आनी चाहिए। लेकिन ठीक होने के बाद, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं, आपके लिए साइकिल हो या जिसमें भी आपको थोड़ा झुक के चलना पड़े या कुछ उछाल लगने का डर हो, वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। तो उन चीज़ों का थोड़ा एहतियात रखिए, और इतना लंबा टाइम हो गया है तो प्लीज़ अपने आप को ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ाएं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रिकॉशंस हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका आधी से ज़्यादा तकलीफ तो प्रिकॉशन से ही चली गई, तो अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस क्या हैं और क्या मेडिसिन थी, मैंने क्या किया है, कौन सी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं, वो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें स्लिप डिस्क रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन की वीडियोस भी ज़रूर देख लें, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो आप ये सब करके देखें। अगर किसी का कोई सवाल बाकी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और किसी के लिए कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर शेयर करें उन तक जिनको ये तकलीफ़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।